दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है गुड़हल का फूल। अब गुड़हल के फूलों के बहुत सारे फायदे होते हैं और साथ ही साथ इनके गुड़हल के फूलों की पत्तियों के भी बहुत ज़्यादा उपयोग में ला करके हम अपने बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। गुड़हल के फूल और पत्तियाँ दोनों का इस्तेमाल किया जाता है बालों की अलग अलग परेशानी को ठीक करने के लिए। ये फूल बालों का झड़ना रोकने के अलावा इन्हें दोबारा बढ़ने के लिए बढ़ावा भी देते हैं और समय से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो भी उसे ये प्रिवेंट करना शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही गुड़हल का फूल लिया है दोस्तों। अगर आप अपने गार्डन में बहुत सारे गुड़हल के फूल अगर पा जाते हो तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए दोस्तों। ये जो ट्रंक है, ये इसमें बहुत ही अच्छे से एंटी ऑक्सीडेंट मिनरल्स एंड बहुत ही अच्छा इसमें कंटेंट पाया जाता है, एंजाइम्स पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ में आपको देखिए, जैसे मैंने पत्तियों का जिक्र किया आप लोगों से, तो गुड़हल के जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, इसे आप ज़रूर लीजिए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं गुड़हल और इनके पत्तियाँ तो और भी ज़्यादा कमाल करते हैं। बालों की ग्रोथ अगर अच्छी करनी चाहते हैं, बालों को अगर एक हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप ये बेहतरीन हर्ब्स है दोस्तों, जिसे कि हम सभी जानते हैं। बट इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। आपके बालों को ये खूबसूरत बनाएगा, बहुत ही अच्छे इसमें गुण पाए जाते हैं, जैसे बहुत सारी समस्याओं से ये छुटकारा दिलाते हैं। तो चलिए, आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, गुड़हल के इन फूलों के साथ में इन पत्तियों को भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही आसानी से ये मिल जाती है हमारे इंडिया में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मैंने बगीचे से तोड़कर लाया है, बिल्कुल आप भी इसी तरह से ले सकते हो, ठीक है। एक एक पत्ती को अच्छी तरह से आप यहाँ से डंठल से अलग कर लेंगे इस तरह से, बहुत ही आसानी से ये टूट जाती है। ये देखिए, इस तरह से हमने इन पत्तियों को ले लिया है और एक गुड़हल का फूल लिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए, इसका प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से आप इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बालों पर प्रॉपर तरीके से। तो अभी क्या करना है, हमने पत्तियों को अच्छी तरह से ले लेना है और मैं वन बाय वन करके इस तरह से पत्तियों को एक साथ में ले लेती हूँ और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से कट करेंगे। तो बारीक बारीक फॉर्म में आपको इसे कट कर लेना है ताकि जब भी आप इसे इसका आपको एक प्यूरी बना करके रेडी करना है, ठीक है। तो छोटे छोटे पत्तियों को भी इस तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पर। इसे अच्छी तरह से आप फोल्ड कर लीजिए और इसे छोटे छोटे इस तरह से बारीक बारीक आपको कट कर लेना है। इसके अंदर आप चाहें तो एलोवेरा, जो फ्रेश लीव्स एलोवेरा आते हैं दोस्तों, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और भी इन्हांस हो जाएगा, आपके बालों की ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छी होती है। वैसे तो हिबिस्कस जो होता है बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है अगर गंजेपन का शिकार हैं तो, यहाँ पे आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों को जल्दी से ब्लैडनेस बाल्डनेस होने की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। मीन्स अगर आपके बाल गंजे हो चुके हैं, अगर आप कहीं से भी बाल नहीं आ रहे हैं, तो ये इसके अंदर ना एक लबलबापन सा भी होता है, जैसे आप महसूस करिएगा कभी कटिंग करने के बाद। देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस तरह से, देखिए ये आप लोगों को चिकटपन दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। तो ग्रोथ अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसकी वजह से। और हिबिस्कस का इस तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे तो जिनके गंजापन होते हैं, जैसे कि दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें मिनोक्सिडिल और फिनस्ट्राइड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से समान रूप में ये उतना ही प्रभावी होते हैं। गुड़हल के फूल बिल्कुल दवाइयों की तरह काम करते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा तेल निकालती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम और खुजली जैसी समस्याएं होती हैं, तो गुड़हल को इस तरह से स्कैल्प पर एक एस्ट्रिजेंट एजेंट के तौर पे ये काम करता है और स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं, पोर्स और जो ग्लैंड्स निकलते हैं, इससे ये तेल को ये कंट्रोल करता है। तो बालों के लिए गुड़हल की पत्तियाँ इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये। आपके बालों को सूदिंग प्रोवाइड करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है ये। तो अच्छी तरह से हमने इस तरह से इसे ले लेना है। इसको अच्छी तरह से आपको क्या करना है, पीस लेना है मिक्सर ग्राइंडर में। इसके साथ में मैं एलोवेरा भी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एलोवेरा लिया है और ये बारीक एलोवेरा है दोस्तों, जो मैंने अपने गार्डन में लगा करके रखा हुआ है। इसे भी मैं इसमें ऐड करूंगी और इसी के साथ में मैं इसका एक पेस्ट बना करके रेडी करने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको भी ले लेना है इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से इस तरह से पेस्ट बना करके रेडी कर लिया है। अब आप देख सकते हो, ये इतना पावरफुल रेमेडी है दोस्तों। जैसे ही मैंने आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर कर रही हूँ ना, इसका ये देखिए,
इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप, बिल्कुल इस तरह से दिखने में हरा है लेकिन सफेद बालों को ये बहुत ही तेजी से काला करेगा। और इसका जो जेली कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ये जो लबाबपन है इनके पत्तियों में आपको मिल जाएगा दोस्तों, जो कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने का काम करेगी, साथ ही साथ बालों को ये जीवन भर के लिए आपके काला बनाएगी। मैं आप लोगों के साथ में इसके बहुत सारे गुण जो बेनिफिट्स है वो आप लोगों को बताया है, बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर जरूर करिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी का तेल, जी हाँ दोस्तों, जो हमारे बालों की मेलानिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। तो एक चम्मच आप इसमें कलौंजी का तेल भी मिला दीजिए, ठीक है, तो इससे आपके बाल और जल्दी से काले होंगे। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, देखिए इस तरह से हिबिस्कस ऑयल आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा जो डैंड्रफ की अगर प्रॉब्लम हो रखी है ना, तो हिबिस्कस आपको इस तरह से ये ऑयल भी आप ले सकते हैं। देखिए मैंने जैसे कि लिया है और मैं इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार जरूर प्रिपेयर करके लगा लेती हूँ दोस्तों, जैसे कि समय से जो पहले होने वाले जो बाल सफेद होते हैं ना वो नहीं होते हैं। प्रांगत रूप से गुड़हल का इस्तेमाल करते रहने से सफेद बालों को छुपाने के लिए आपको कोई भी केमिकल या फिर ऐसे डाय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। अगर आपने प्राकृतिक डाय बना करके नेचुरल, दैट मींस नेचुरल डाय इस तरह से प्रिपेयर किया ना दोस्तों, क्योंकि गुड़हल में बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाने का मदद करती है, जो कि मेलानिन हमारे पिगमेंट होते हैं उसे वो नेचुरल कलर देती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है, अब सिंपली मैं क्या करूंगी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी ये ऑयल के साथ में। इनहैंस हो गया है ये आपकी रेमेडी दोस्तों, जो कि सफेद बालों के लिए है। आप अपने बालों को अगर जीवन भर के लिए काला बना करके रखना चाहते हैं, ये देखिए थोड़े बहुत पत्ते रह गए तो आप इसे निकाल करके दूर कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपकी रेमेडी रेडी हो जाएगी। एक घंटे अपने बालों पर लगा करके रखिए, चैलेंज करती हूँ दोस्तों, बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी ना आपकी, सिल्की सॉफ्ट और शाइनी हो जाएगी, बाउंसी हो जाएंगे आप देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, झुर्रियां नहीं पड़ने देता है जल्दी से, ये सारी जो चीजें हैं कमाल की हैं। तो इसका यूज करने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना अच्छा और पावरफुल और नेचुरल जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके अपने बालों को आप काला, लंबा और घना बना रहे हो। आई होप दोस्तों छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी इसका रिजल्ट मिले और वो भी कहें वाह वाह आपने कितनी अच्छी रेमेडी बताई है, ठीक है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।